तो ये 2021 की बात है, मुझे अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना था अपने ड्राइंग की वीडियोस डालने के लिए। इसके लिए मुझे एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत थी, ट्राइपॉड। तो मैंने वही किया जो कोई भी आम आदमी करता, मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने ये ट्राइपॉड ऑर्डर किया। क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि सौरभ जोशी, शुभजीत मंडल, वी के आर्ट बॉक्स एक्सेट्रा, ये सभी एक टाइम पहले इसी ट्राइपॉड का यूज़ किया करते थे। जब ये ऑर्डर मेरे घर पहुँचा तब मुझे पता चला कि ये तो टट्टी है। इस ट्राइपॉड की सबसे बड़ी दिक्कत है इसके हाइट, क्योंकि भाई ये सिर्फ 40 सेंटीमीटर का है और ओवरहेड शूटिंग करने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। और फ़ोन का वेट इससे उठाया नहीं जाता है, ज़रा से हवाएं तो शेक करने लग जाता है। वैसे तो ये इतना भी बुरा नहीं है, इसकी प्राइस बहुत कम है, 300 रुपये, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है बहुत ही ईजीली। प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने इससे कुछ बेटर एक्सपेक्ट किया था। मैंने इसको सिर्फ 7 महीने के लिए यूज़ किया और फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एक एक रुपया जमा किया, मजदूरी की, भीख मांगी, और फिर मैंने ये ट्राइपॉड बाय कर लिया। एंड दिस वॉज ऑसम, क्योंकि यार इसकी हाइट तो देखो तुम, 60 सेंटीमीटर की हाइट है, जितनी ऊंचाई से चाहो उस ऊंचाई से रिकॉर्ड कर सकते हो। ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो सकता है इसके बॉटम से। ट्राइपॉड को टाइट करने के लिए इसके हर एक जॉइंट पे एक स्क्रू लगा हुआ है जिससे आप टाइट कर सकते हो, एकदम फिक्स कर सकते हो ट्राइपॉड को। और ये एकदम फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, जिस एंगल से चाहो उस एंगल से शूट कर सकते हो, चाहे तो एकदम ओवरहेड कर सकते हो या फिर साइड से कर सकते हो या फिर एकदम टॉप से रिकॉर्ड कर सकते हो। आप आते वक्त ये 3 हिस्सों में आया था, नंबर 1 इसका बॉटम वाला पार्ट जो टेबल को होल्ड करता है, इसकी मेन बॉडी, और इसका माउथ मोबाइल को होल्ड करने वाला। एक्चुअली वो 2 आए थे, एक टैबलेट के लिए भी और एक नॉर्मल मोबाइल के लिए भी। इसकी बॉडी स्टील की है तो आराम से ये 2 से 3 साल तो चली जाएगा, पर इसकी कुछ खामियां भी है, जैसे कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ अराउंड 1000 रुपये का आता ही है, इस वजह से हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और ये ट्राइपॉड सिर्फ मोबाइल और टैबलेट के लिए है, आप इससे कैमरा से शूटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इन दोनों ट्राइपॉड्स को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हाइट, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी में ये बड़ा वाला ट्राइपॉड ही बेस्ट है। वैसे तो इसकी प्राइस ठीक ठाक ही है, पर हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि इस ट्राइपॉड जैसे और भी ट्राइपॉड अवेलेबल है मार्केट में, तो थोड़ी और रिसर्च करके अगर आप अच्छा सा ट्राइपॉड ले लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो ये वाला ट्राइपॉड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी हाइट और स्टेबिलिटी बहुत ख़राब है, तो इस वजह से मैं इसको रिकमेंड तो नहीं कर सकता। और अगर आप ये बड़ा वाला ट्राइपॉड अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये एकदम वर्थ इट ट्राइपॉड है। या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तुम्हें अगर ट्राइपॉड बाय करना है तो मैंने दोनों ट्राइपॉड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। और अगर ड्राइंग के लिए कौन सा पेपर बेस्ट है ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो। बाकी अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।